जब एक किसान भक्त की रक्षा करने आई खुद माँ दुर्गा। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष बेस्ट उपाय। राजस्थान के गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। उसका संसार में कोई नहीं था, वो अकेला ही रहा करता था। दिन भर खेतों में काम करता और माँ दुर्गा की पूजा में लगा रहता और पास के ही दुर्गा जी के मंदिर में जाकर श्रृंगार करता, उन्हें भोग लगाया करता और उनकी सेवा पूजा भी किया करता। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट क्यों ना हो, वो माँ दुर्गा से अपनी मदद की गुहार लगाता था। उसकी आस्था कुछ इस प्रकार की थी कि माँ दुर्गा उसकी हर इच्छा को पूर्ण करेगी। एक दिन वह व्यक्ति मंदिर में बैठे बैठे माँ दुर्गा से कहने लगा कि माँ, मेरे जीवन की एक बस आखिरी इच्छा बाकी है, आप उसे पूर्ण कर दीजिए। मैं एक बार बस आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आप मुझे दर्शन दे दीजिए। गांव वाले उसकी ऐसी बातें सुनकर उसका उपहास करने लगते थे कि देखिए कि ये आदमी बुढ़ापे में पागल हो रहा है, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि माँ दुर्गा स्वयं आए और इसे दर्शन दे। परंतु उसने अपनी आस नहीं छोड़ी, उसे विश्वास था कि माँ दुर्गा आकर एक दिन उसे जरूर दर्शन देंगे। उस दिन उस किसान को अपने किसी काम से दूसरे गांव जाना था। वो सुबह जल्दी उठकर माँ दुर्गा की पूजा कर गांव के लिए निकल गया। अपने गांव से दूसरे गांव जाने के लिए उसे एक पहाड़ी को पैदल ही पार करना था। शाम के समय अपना कार्य खत्म कर वो वापस अपने घर की ओर निकल गया। उस पहाड़ी को पार करते समय उस व्यक्ति का पांव फिसल गया और वो व्यक्ति पहाड़ी के नीचे गिरने लगा। गिरते हुए उसने वहां पर एक पेड़ को पकड़ लिया, परंतु ऊपर आने में वो असमर्थ था। वो चिल्ला चिल्ला कर किसी को अपनी मदद के लिए बुलाने लगा, पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी वहां एक छोटी बच्ची आई और उसने आवाज देकर पूछा, कौन है वहां? आप नीचे क्या कर रहे हैं? कैसे गिर गए आप नीचे? तब उसने बताया कि मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया हूँ। तुम भाग कर जाओ और किसी को बुला लाओ मेरी मदद के लिए। उस लड़की ने कहा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खुद ऊपर खींच सकती हूँ। और उस बच्ची ने उसे पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश की। वो छोटी सी थी लेकिन वो उसके पास पहले पहुँच नहीं पा रही थी, परंतु उसने देखा कि धीरे धीरे वो अपने आप ही बड़ी होने लगी है और उसने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। उस व्यक्ति ने उस बच्ची से कहा कि मैंने तुम्हारी चुनरी को पकड़ लिया है, परंतु तुम मुझे ऊपर खींच क्यों नहीं पा रही हो? उस लड़की ने उन्हें खींचना शुरू किया। बच्ची बोली, आप चिंता मत करो, मैं आपको ऊपर जरूर खींच लूंगी। और धीरे धीरे कर वो छोटी बच्ची उन्हें ऊपर खींचने लगी। उस व्यक्ति को जैसे ही उसने ऊपर खींच लिया, उस व्यक्ति ने उस बच्ची का धन्यवाद दिया और उससे पूछा, तुमने कैसे अकेले मुझे ऊपर खींच लिया? छोटी बच्ची ने उत्तर दिया, ये तो मेरा कार्य है, जो मेरा है मेरे अपने हैं, मुझे उनकी रक्षा तो करनी ही पड़ेगी ना। ये कहते ही वो बच्ची न जाने कहां गायब सी हो गई। तब उस व्यक्ति को मालूम हुआ कि ये कोई और नहीं बल्कि साक्षात माँ दुर्गा ही थी, जो एक बच्ची का रूप धारण कर उसके प्राणों की रक्षा करने आई थी। वो वापस घर गया और गांव वालों को सारी बात बताई। सब ने उसका फिर से उपहास उड़ाया और उसकी बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया, लेकिन वो जानता था कि ये मजाक नहीं है, सच में माँ दुर्गा आई थी और उसकी जान की रक्षा की थी। वापस भागकर वो मंदिर गया, माँ से कहा कि माँ, आपने आज तक मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण की है, इस इच्छा को भी पूर्ण करने के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। और वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए माँ दुर्गा का उपवासक बन गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये खास जानकारी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ज्योतिष बेस्ट उपाय।